ये बीजेपी की सरकार रहेगी, अडानी ने भाग रहे हैं, कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार रहेगी, ये करप्ट है सारे के सारे। आपको पता है 2011-12 के अंदर इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हमने इसको इस पार्टी को कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से हटाया था, और इन्होंने मोदी जी ने बोला हम करप्ट नहीं, हम करप्शन खत्म करेंगे। अब ये भी उसी डर पे चल रहे हैं। लोग जो एम्प्लॉय, कितने लाख लोगों को अगर रोजगार मिलता है, सिर्फ गुजरात के लोगों को मिलता है। सुपर ट्रेन चलेगी तो गुजरात से चलेगी। अडानी और अंबानी और ये मोदी जी बोले कि हम हमारी वजह से विश्वगुरु बन रहा है भारत, तो ये इनकी वो गलत फहमी है। उनको वो कहते हैं शेख चिल्ली के सपने वाली बात है। यहाँ तो गुजरात के अलावा भारत के अंदर कोई राज्य है ही नहीं। ये बात करते हैं 28 राज्य 29 राज्य, ये तो है ही नहीं, एक ही राज्य है भारत के अंदर, तो जिसका नाम भारत कह लीजिए, गुजरात कह लीजिए। वो यहाँ के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाए, अभी तक भी गुजरात के प्रधानमंत्री है। उन्होंने पहले रजत शर्मा जी के उस पर इंडिया टीवी के ऊपर भी इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर उन्होंने बोला कि हमारे गुरु के आपके आइडियल कौन है, तो उन्होंने बोला धीरूभाई अंबानी। हम तभी समझ गए भैया ये तो उनके गुरु घंटाल, जिनके गुरु भी ऐसे चेले भी ऐसे, तो देश का सत्यानाश तो होना ही है। ये बेसिकली एक शेयर मार्केट का फ्लक्चुएशन है। तमाम चीजें शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से शेयर मार्केट क्रैश कर जाती है, और जनरली करती रहती है शेयर मार्केट, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसमें शेयर मार्केट में इतना बड़ा पैसा लगा होता है लोगों के, एक ही बार में किसी भी दिन अगर वो 600-700 पॉइंट 1000 पॉइंट आम दिन होता रहता है ऐसा, कुछ कुछ दिन बाद क्रैश होती रहती है मार्केट, तो उसमें एक ही बार में कई लाख करोड़ का घाटा जाता है, और वो जनता का ही होता है। एक बड़ी जो मछलियां होती हैं वो तो एक क्रैश करती हैं, ट्रिगर करती हैं, मार्केट क्रैश होती है और डाउन करने के बाद फिर खरीद लेती है, फिर वो एक ही बार में झटके में दोबारा भी आ जाएगी वापस। एक संस्था है विदेश की, उसने कुछ सवाल किए हैं अडानी का, रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, रिसर्च रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो अडानी जो भारत का जो आर्थिक व्यवस्था है उसको एक गुब्बारे की तरह फुला के दिखाया है फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, और एकदम से ये कभी तो कुछ था नहीं, और अचानक ये तीसरे और दूसरे नंबर पे कैसे आ गया अडानी इतने, तो उन्होंने इस पर रिसर्च करी होगी, और उन्होंने बताया कि ये सब चीज झूठी है। अडानी खामा खाका ये अडंबर रचा रहा है, ये कैलकुलेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट को गलत कैलकुलेशन के साथ और शॉर्ट सेलिंग के साथ, मतलब मार्केट के अंदर जो हथकंडे होते हैं कि मार्केट को मैनिपुलेट करने के, उनके साथ। और अडानी जी कहते हैं ये तो आम बात है, हम तो पहले भी करते आ रहे हैं, वो खुद ही कबूल कर रहा है कि ये शॉर्ट सेलिंग और इस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, जैसे कि पहले हर्षद मेहता भी करता था किसी न किसी तरीके से। लेकिन गुजरात की जो गवर्नमेंट है उसने अभी कुछ दिन पहले, तो हमारी नई सरकार है, उन्होंने हर्षद मेहता को भी हीरो डिक्लेयर कर दिया। एक वेब सीरीज आई है, 2-3 वेब सीरीज भी आई है, और यहाँ तक कि धीरूभाई अंबानी जी जो पहले खाली डब्बे भेज भेज के एक्सपोर्ट करते थे और उस पर इंसेंटिव लेते थे सरकार से, और अमीर बन गए। मतलब राजीव गांधी गवर्नमेंट के अंदर धीरूभाई अंबानी जी ने शुरुआत करी करप्शन की, इंडिया में करप्शन उन्हीं की वजह से शुरू हुआ कि उन्होंने पैसे दे दे के लोगों को मैनिपुलेट करना शुरू किया, और आज वो अडानी जी के गुरु बन गए। वो कहते हैं अडानी जी ने अभी कुछ दिन पहले रजत शर्मा जी के उस पर इंडिया टीवी के ऊपर भी इंटरव्यू दिया था, उसके अंदर उन्होंने बोला कि हमारे गुरु के आपके आइडियल कौन है, तो उन्होंने बोला धीरूभाई अंबानी। हम तभी समझ गए भैया ये तो उनके गुरु घंटाल, जिनके गुरु भी ऐसे चेले भी ऐसे, तो देश का सत्यानाश तो होना ही है। जनता के पैसे डूबने, इन लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ दिन बाद ये फिर रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि इनकी मैनिपुलेशन है, जनता के पैसे फंसा रखे हैं इन्होंने। जब हर कोई बंदा बोलेगा म्यूचुअल फंड सही है, बड़े बड़े कलाकार सेलिब्रिटीज सब बोलेंगे म्यूचुअल फंड सही है, बेचारी जनता तो पैसे लगाएगी ना शेयर मार्केट में, सारे एक्सपर्ट मिले होते हैं इसके अंदर, सब लगवाएंगे जनता के पैसे, जन जन का खाता खोलो, गांव गांव के अंदर बैंक अकाउंट खोलो सबका, ऊपर से सेकी बगाड़े मैंने सबके बैंक अकाउंट खोल दिए, जबकि ये स्कैम है। सबके पैसे इकट्ठे करवा लिए, सारे जनता के 1500 कर करके सभी बैंकों में डलवा दिए, उसके बाद सारे बैंक मर्ज कर दिए, उन बैंकों को मर्ज करके जो पैसा आया वो अडानी अंबानी को दे दिया प्रोजेक्ट में लगाने के लिए। लोन कितना दे रखा है उनको, कितना उन पे पेंडिंग है, कितने लाख करोड़ का पेंडिंग है, एक लोन पिछला चुकाया नहीं उसके बाद फिर दे देते हैं उनको, और इंटरनेशनल लेवल पे भी उन्होंने बहुत सारे लोन ले रखे हैं। अडानी ग्रुप जो हिडन जो है वो संस्था, उसको चैलेंज कर रहे हैं कि हम तुम्हें कोर्ट में दे। अरे भैया ये तो आपको पता है पुरानी कहावत है, आज की कहावत नहीं है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना, पुरानी कहावत आज की कहावत तो है नहीं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हकीकत में होना ये चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर हमारी सत्ता होती है, हमारे शासन होता है, तो उस बंदे को अडानी को इस लेवल पे आता ही नहीं, उसको जेल में डालते हैं कि जनता के साथ धोखा किया है इसने, जनता को सारा पैसा जनता का डूबा, गरीब जनता रो रही है बेचारी, जिन्होंने इन्वेस्ट किया पैसे उनके, जब मार्केट क्रैश होगी इनके शेयर हर चीज में तो इन्होंने पैसा लगा रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पोर्ट्स हो, हर वो ट्रांसमिशन सिस्टम हो, सब चीज के अंदर पैसा लगा रखा है इन्होंने या इनके ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। अब देश में ये भी बात चलने लगी, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि हम उनपे कब उनपे रिपोर्ट वो करेंगे केस, हाँ उल्टा चोर कोतवाल कह रहे हैं कि अडानी भी अब भाग जाएगा देश के, भागेगा नहीं, जब तक ये बीजेपी की सरकार रहेगी, अडानी ने भाग रहा है, कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार रहेगी, ये करप्ट है सारे के सारे। आपको पता है 2011-12 के अंदर
इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हमने इसको इस पार्टी को कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से हटाया था, और इन्होंने मोदी जी ने बोला हम करप्ट नहीं, हम करप्शन खत्म करेंगे, अब ये भी उसी डर पे चल रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों का सेम सेटअप है, अगर इन करप्ट लोगों का शासन रहेगा तो अडानी अंबानी करप्ट लोग ही टॉप पे पहुंचेंगे, ये कभी भागेंगे नहीं, इनको भागने की जरूरत ही नहीं है। सैया भये कोतवाल तो काहे को डरना, जब प्रधानमंत्री जब बड़े बड़े नेता इनके फेवर में तो भागेंगे क्यों, वो तो ऊपर से उनके पीछे भागने की सोच रहे हैं कि हिडन जो एजेंसी है वो कह रही है कि आई आप कोर्ट ना, हाँ वो तो बोल रही है ना, वो तो बोल रहे हैं, उनको डर क्या, उन्होंने रिसर्च करी है, वो रिसर्च बेस होता है, जितने भी फॉरेन रिसर्च एजेंसीज है वो रिसर्च करती है, काफी उस पर स्टडी करती है, एक एक चीज को ढंग से देखती है, मैं भी देखता हूँ, मैं भी चीजों को देखता हूँ, शेयर मार्केट में कौन सी डाउन हो रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सी कंपनी सही है, कौन सी गलत है, जो हमारी गलत नहीं होती रिपोर्ट उनकी कैसे गलत हो जाएगी, मुझे बताइए ना, वो पागल है क्या, वो रिसर्च बेस्ड लोग हैं, वो ऐसे तुक्का नहीं बैठते हैं, तो गुब्बारा बना के भारत में इन्वेस्टमेंट करो, चलो मैं मानता हूं भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे, भारत सुनिए मैं मानता हूं कि भारत में इन्वेस्टमेंट होगा, भारत का फायदा होगा कि जिससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत में इन्वेस्टमेंट होगा, भारत को टैक्स भी मिलेगा गवर्नमेंट को, लेकिन वो तब होगा जब पूरे हिंदुस्तान में ये कंपनियां अपने वो खोलेंगी ऑफिस, लेकिन वो कहां खुलती है, उनकी सारी की सारी फैक्ट्रियां उनके ऑफिस कहां खुलते हैं, सिर्फ गुजरात में खुलते हैं, वहां के लोग जो एम्प्लॉई कितने लाख लोगों को अगर रोजगार मिलता है सिर्फ गुजरात के लोगों को मिलता है, सुपर ट्रेन चलेगी तो गुजरात से चलेगी, ये फर्जीवाड़े पूरे देश के साथ ही फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप लोगों को पता नहीं किस एवीएम घोटाले से लेके आप वोट डालते हैं वहीं से फर्जीवाड़ा शुरू हो जाता है, आपको कुछ भी पता नहीं है क्या हो रहा है, जनता तो बेचारी मेन स्ट्रीम मीडिया में जो परोसा जाता है ना, मोदी राहुल गांधी बीजेपी कांग्रेस और वो क्या बोलते हैं हिंदू मुस्लिम बस यही चलता रहता है, जनता सोती जागती यही सुनती है बेचारी, इसी को सत्य मान लेती है जबकि ये सत्य नहीं है, जनता का बेड़ा गर्क कर रखा है इन करप्ट लोगों ने। तो क्या आप सरकार को अडानी पे कोई फैसला लेना चाहिए, कोई सरकार तो फैसला वो देखो ना उसकी हिम्मत देख लो, वो कह रहा है कि सरकार उसको उसके खिलाफ है, हिडनबर्ग रिसर्च सेंटर के खिलाफ में एक्शन लीजिए, तो ये तो इतने कॉन्फिडेंट है ये लोग कि ये तो मतलब कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी है, तो मतलब कभी भी आप देखिए कि उससे पहले भी कभी आप किसी करप्ट किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, किसी भी करप्ट ऑफिसर के खिलाफ कंप्लेन कीजिए, वो पता क्या होगा उस दिन बाद उसको और प्रमोट करके ऊपर बैठा देंगे, वहां से हटा देंगे लेकिन और ऊपर बड़ी पोस्ट दे देंगे, इससे मतलब ठेंगा भारत के लोगों को ठेंगा, जो करप्शन के खिलाफ बोलते हैं उनको ठेंगा, ये देश ऐसे ही करप्ट लोगों के हाथ में रहेगा तो करप्शन यही रिजल्ट निकलेगा, अडानी नीचे डाउन जा रहे एकदम नुकसान हो रहा है, इससे तो देश डूब जाएगा, ऐसे तो देश तो नहीं डूबेगा, देश को ये छोटी मोटी अगर अडानी और अंबानी और ये मोदी जी बोले कि हमारी वजह से विश्वगुरु बन रहा है भारत, तो ये इनकी वो गलत फहमी है, इनको वो कहते हैं शेख चिल्ली के सपने वाली बात है, हकीकत कहना भारत एक बार बताइए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है फेसबुक हो गया गूगल हो गया और जो पेप्सी थी माइक्रोसॉफ्ट की उनके अंदर जो चीफ थे उनके बने थे इंडियन वो 2014 से पहले ही बने थे यार राइट, तो ये मोदी जी ने नहीं बनाए, भारत तो पहले से ही बहुत टॉप पे पहुंच रहा है, भारत के लोग पावरफुल है, वो विद्वान लोग हैं एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ पे उनकी वैल्यू नहीं होती, बेचारे अमेरिका दूसरी जगह जाते हैं इनको फॉरन टॉप सीट पे बैठा देते हैं, वो क्यों बैठाते हैं क्योंकि भैया ये लोग इंटेलिजेंट है, भारत के लोग इंटेलिजेंट है, भारत सरकार ने कुछ नहीं किया इसके अंदर, तो वो इनको बचाएगी, सरकार इनको बचाएगी, अडानी अंबानी को बचाएगी, जब तक ये करप्ट लोग रहेंगे इन करप्ट इंडस्ट्रीज को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाएंगे, शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करके देख लेना, मैं भी यही हूँ आप भी यही हैं, कुछ दिन बाद फिर वापस आ जाएंगे, लोगों के गरीब लोगों के पैसे डूब जाएंगे, मान लो आप लोगों के पैसे जितने लगाए थे वो तो डूब गए, अब आप नया पैसे कहां से लाएंगे, तो पूरा एक जो नेटवर्क है जो इनके एक्सपर्ट का टीवी चैनल्स का ये सारे के सारे बोलेंगे और लगाओ पैसे और लगाओ, आप फिर कहीं से उधार लेके लगा दोगे और फिर डूब जाएंगे पैसे, ये मैनिपुलेट करते हैं शेयर मार्केट को, मैनिपुलेट करते हैं बिग शार्क्स, गरीब आदमी नहीं कुछ कमा पाता, वही कमाते हैं, जो बाहर से इन्वेस्टर आएगा उसको तो असर पड़ेगा ना, बाहर का बिल्कुल डेफिनेटली, देखिए एक बात बताइए जब आप बाहर का इन्वेस्टर्स किसी की झूठी बात को कह के यहाँ आएगा और जब उसको सच्चाई पता लगेगी यहाँ तो कहानी कुछ और है, यहाँ तो गुजरात के अलावा भारत के अंदर कोई राज्य है ही नहीं, ये बात करते हैं 28 राज्य 29 राज्य तो है ही, एक ही राज्य है भारत के अंदर तो जिसका नाम भारत कह लीजिए गुजरात कह लीजिए, वो यहाँ के प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाए अभी तक भी गुजरात के प्रधानमंत्री है वो, तो वो जो पैटर्न है बाहर के लोगों को झूठ बोला गया यहाँ पे आगे पता नहीं चलेगा क्या उनको, बाकी जितनी भी कंपनीज जो इनके साथ सपोर्ट नहीं करती या गुजरात में इन्वेस्ट नहीं करती बाकी जगह करेगी तो उसको सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता वो डूब जाती है भाग जाती है, तो सारे देश मैनिपुलेट करते हैं ना मार्केट को, ये बात ठीक है कि सारे लोग मैनिपुलेट करते हैं लेकिन एक बात बताइए किसी एक 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 होता है थोड़े बहुत लेवल पे कि आटे में नमक, अब ये नमक में आटा डालेंगे अनप्रेसिडेंटेड फ्रॉड करेंगे किसी के साथ तो नजर आएगा कि 2015 में वो 40 करोड़ का आदमी था 2021 के अंदर वो 10 लाख करोड़ का आदमी बन गया और एक साल बाद ही वो 18 लाख करोड़ का आदमी बन गया, कल साला अंधी मच रही है सारे के सारे, आप देखेंगे कि टॉप लिस्ट है ना जो इंडस्ट्रीज की लिस्ट है उसको देखिए आप कि जो 10 टॉपर है ना उसमें 7 अमेरिकन है, देखे होंगे सारे है ना टॉप पे सारे अमेरिकन है, वो देखते हैं सारे हम तो एक्सपर्ट है पूरी दुनिया को चलाते हैं ये साला हमें चला रहा है,
ये ऐसा क्या हो गया कि एकदम से आगे दूसरे नंबर पे पहुंच गया, तो उनके ऊपर वो रिसर्च करते हैं कि गड़बड़ है कुछ ना कुछ, तो गड़बड़ कहाँ है उस चीज को देख के वो शो तो मचाएंगे कि भी गड़बड़ कर रहा है, मतलब चोरों के साथ चोरी करोगे तो वो कहेंगे सारे सारी दुनिया को तो अंग्रेज लोग ठगते हैं, अब उनको ही ठगोगे तुम तो वो चिल्लाएंगे, तो उसका एक ये भी रिजल्ट हो सकता है कि वो चिड़ के ये एडनबर्ग रिपोर्ट तैयार कराई है उन्होंने, लेकिन हकीकत यह है कि जनता का नुकसान होता है, जब शेयर मार्केट क्रैश करती है तो आम जनता का लॉस होता है और वो बेचारी कहीं की नहीं जाती, आत्महत्या भी कर लेते हैं बहुत सारे लोग और फिर नए लोग आ जाते हैं, ये तो एक्सपर्ट बोलते हैं और लगाओ तो नए लोग आ जाते हैं, यहाँ तो ऐसा हाल है हिंदुस्तान के अंदर, तो आपको बोलोगे गेम में लगाओ, जो मोबाइल में गेम चल रही है वो गैम्बलिंग है, ओपन जुआ है कि आप पैसे लगाइए, रम्मी खेलिए, ताश की पत्ती खेलिए, जुआ खेलिए और विराट कोहली से लेकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी नाश्ते मिलेंगे, इसमें पैसे लगाइए, इसमें सारे पैसे डूब जाते हैं बेचारी जनता के, जनता को कारोबार करने की बात कोई नहीं करता, देश को सक्षम बनाने की कोई बात नहीं करता, आत्मनिर्भर भारत की ढोंगी बातें करते हैं, हकीकत में आम जनता को बोलो कि बिजनेस कैसे सेट करें, एक ग्रास रूट लेवल में बिजनेस कैसे सेट करें, आसानी से कोई भी बंदा 30-40 हजार 50 हजार महीने के आराम से कमा सकता है, आराम से बहुत ही आसान होता है, मार्केट से माल खरीदो, अपनी दुकान खोल लो, कहीं पे भी फट्टा लगा लो, आप आराम से बिजनेस कर सकते हो, लेकिन उनको बोले शेयर मार्केट में लगाओ, जुए के इनमें ऐप में लगाओ, सारे पैसे डुबो दो, इनके इंडस्ट्रीज कमाते रहेंगे। थैंक यू।